नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लिनिकल गुरु में। मैं आपका दोस्त चेतन। आज देखिए, आज हम जो इलेक्ट्रोलाइट जो टेस्ट रहती है, सोडियम पोटेशियम कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोलाइट, वो टेस्ट हम मशीन पे लगाने वाले हैं। देखिए, मेरे पास ये मशीन मेरी मशीन है, एक बेनस्पिरा का, आप देख सकते हैं, एवेंटर का। तो आपने बहुत सारे जनों जो फ्रेंड है हमारे, उन्होंने सुना होगा कि सोडियम पोटेशियम में टेस्ट रहती है, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट रहती है, लेकिन वो टेस्ट लगाई कैसे जाती है मशीन पे, ये आपको पता नहीं होगा बहुत जनों को। तो आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि मशीन ये कैसे वर्क करती है, सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, ऐसा ये डेली क्लीनर रहता है, इसे जब भी हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो मशीन को ये देना रहता है। हमने अभी सवेरे मशीन चालू की थी, अभी हम डेली क्लीनर नहीं देने वाले थे। मैं आपको एक सैंपल लगा के बताने वाला हूँ आज पेशेंट का। तो ये जो डेली क्लीनर है, जब भी आप मशीन चालू होती है, सबसे पहले डेली क्लीनर देना रहता है, ताकि जो मशीन में जो भी माइक्रो पार्टिकल्स जो रहते हैं मशीन में, जो को भी ये रहता है वेस्ट, वो सभी डेली क्लीनर से क्लीन हो जाती है मशीन। तो हम सैंपल लगा के मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हम सैंपल जो है सीरिंज की जो कैप रहती है उससे में लेने वाले हैं। आप भी ये जो कैप रहती है वो वेस्ट नहीं करना है, आपके पास अगर रहती होगी तो सोडियम पोटेशियम लगाने में हमें वो काम में आती है। ट्यूब जो टिप जो है सीरिंज की जो कैप है, हमें काम में आ जाती है, वो स्टराइल रहती है। इसलिए हम कभी भी आपको जो सोडियम पोटेशियम लगाना है तो याद रखिए कि वो स्टराइल जो है स्टराइल ट्यूब में ही लगाए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो सीरिंज की कैप का यूज़ करते हैं। हम 300 माइक्रोलीटर सैंपल ले रहे हैं। देखिए, 300 माइक्रोलीटर जो है हमने सैंपल ले लिया है। देखिए देखिए मशीन पे अभी क्या लिखा हुआ है, रेडी फॉर एनालाइज। हमें क्या करना है अभी, देखिए एनालाइज का ये बटन है, हम इसे प्रेस करेंगे। प्रेस किया, देखिए मशीन अभी कह रही है एनालाइज सैंपल। हम यस करके इसको कंटिन्यू करेंगे। यस, हमें जो सैंपलर का जो है वो ओपन करना है। देखिए देखिए, हम प्रोब बाहर निकला हुआ है। हम जब भी टेस्ट आपको लगाना रहता है तो सबसे पहले जो प्रोब है हमें वो प्रोब क्लीन करना है हमें। देखिए, टिश्यू पेपर से पहले प्रोब क्लीन कीजिए। प्रोब क्लीन हो गया है, अभी हम सैंपल लगाएंगे। देखिए, पूरा डिप करना है प्रोब में सीरम, और यस करना है कंटिन्यू, यस टू कंटिन्यू। देखिए, सैंपल मशीन ने जो है 120 माइक्रोलीटर मशीन सैंपल लेती है, सैंपल ले लिया है मशीन ने। हम अब जो कवर है वो कवर को क्लोज कर देंगे। देखिए, क्लोज को कवर किया, मशीन ने मेजरिंग शुरू हो गया है, सैंपल मेजरिंग अभी शुरू है। देखिए, मशीन में अभी रिजल्ट आ रहा है, प्रोसेसिंग चालू है। देखिए, काउंटिंग अभी भी शुरू है, रिजल्ट आ गया है। सोडियम 131 है, 1.1। पोटेशियम जो है के, एनी यानी सोडियम, के यानी पोटेशियम, आईसी यानी आयनिक कैल्शियम। सोडियम है अपना 131.1, पोटेशियम है 3.02, आयनिक कैल्शियम है 0.75। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।